चिड़िया के दो बच्चे थे। उन्होंने अभी नया नया ही उड़ना सीखा था, इसलिए उन्हें उड़ने का बहुत शौक था। बड़े और छोटी, मैं जा रही हूँ भोजन लेने, और आप घोंसले में छुपकर बैठ जाओ और मेरे पीछे से उड़ने की कोशिश न करना। मम्मा मम्मा, जब आप भोजन लेने जाती हैं, तो बड़ा भाई इस पेड़ से दूसरे पर बार बार जाता है और मेरे रोकने पर भी नहीं रुकता। झूठ मम्मा झूठ, ये तो खुद ऐसा करती है और नाम मेरा लगा रही है। तुम दोनों में से किसी ने भी घोंसले से बाहर नहीं निकलना। जो बाहर निकलेगा उसे मैं बुलबुल दीदी से बड़े वाला टीका लगवाऊंगी। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। गुड़िया, तुम हमेशा मेरी शिकायतें लगाती हो मम्मा से, तो फिर तुम क्यों घोंसले से बाहर जाते हो जब मम्मा भोजन लेने जाती हैं? वो तो मैं आज भी जाऊंगा, और अगर तुमने मम्मा को बताया तो मैं भी मम्मा को झूठ से बनाकर तुम्हारी इतनी शिकायतें लगाऊंगा कि पटाई हो जाएगी तुम्हारी। मुझे क्या, जाओ, अगर मम्मा आ गई तो बड़े वाला टीका भी तो तुम्हें ही लगेगा और फिर मैं तालियां बजाऊंगी। बड़ा भाई अपनी मम्मा की बात की परवाह किए बिना अपने घोंसले से निकलता है। क्यों ना आज थोड़ा दूर जाऊं और देखूं कि जंगल कैसा है। वो ऐसा सोचते हुए थोड़ा दूर निकल जाता है। थोड़ी दूर उसे कव्वे का बेटा जग्गू कव्वा उड़ते देखता है। अरे, ये बड़ा तो आज बड़ा तेजी से उड़ रहा है, चलो आज इसे थोड़ा तंग करता हूँ। ऐसा सोचते हुए वो छोटा जग्गू कव्वा भी बड़े के पीछे उड़ता है। बड़े रुको, मेरी बात सुनो। क्या हुआ कव्वे, आपने मुझे क्यों रोक लिया? मेरे साथ चलो, मैं पहाड़ की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ एक बहुत स्वादिष्ट फल है, मैं तो रोज खाने जाता हूँ, आ जाओ अगर खाना है तो। मुझे मीठे फल बहुत पसंद है, क्या वो फल मीठा है? मीठा, बहुत मीठा है वो फल। मेरी मम्मा के घर आने से पहले पहले हम लौट कर आ जाएंगे क्या? हम यूंगे और यूं आए। ऐसे जग्गू बड़े को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ चला जाता है। ये बड़ा भाई आज तो कुछ ज्यादा ही दूर चला गया है और मम्मा भी आने ही वाली होंगी, न जाने बड़ा मम्मा का कहना क्यों नहीं मानता। जग्गू भी बड़े को लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाता है। जग्गू बहुत शैतान कव्वा था और वो बड़े के साथ एक शरारत करने वाला था। जग्गू, कहाँ है वो फल? वो सामने जो हरे रंग का फल है वो बहुत मीठा है, चलो खाएं। फिर जग्गू बड़े को एक कैक्टस के पास ले जाता है। ये फल तुम खा लो और वो मैं खा लेता हूँ। ऐसा कहते हुए जग्गू दूसरे कैक्टस के पास जाकर उसे खाने का नाटक करने लगता है। खाओ खाओ बड़े, ये बहुत मीठा है। परंतु मेरी मम्मा तो कभी ये फल घर नहीं लेकर आई। मुझे क्या पता तुम्हारी मम्मा क्यों नहीं लेकर जाती, अगर तुम्हें नहीं खाना तो ना खाओ, तुम्हारे वाला भी मैं ही खा लूँगा। नहीं नहीं, मुझे भी खाना है। और फिर बड़ा जैसे ही अपनी चोंच उस कैक्टस पर मारता है, दो बड़े कांटे उसकी चोंच में लग जाते हैं। ये तो बहुत कड़वा है और मेरी चोंच भी घायल हो गई है, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, अब ये कांटे तो तुम्हारी मम्मा ही निकालेगी और करेगी तुम्हारी खूब पटाई। ऐसा कहते हुए जग्गू वहाँ से भाग जाता है। ये कौवा मुझे पागल बना रहा था, मेरे बहुत दर्द हो रहा है और मम्मा को पता लगा तो वो भी मुझे मारेंगी। गुड़िया बेटा, बड़ा कहाँ है? मम्मा मम्मा, जब आप गई तो बड़ा उसी समय निकल गया था और अब तक नहीं लौटा। गुड़िया बेटी, आपने रोका नहीं भाई को? मैंने रोका, बहुत रोका, परंतु वो मेरा कहना ही कब मानता है। ऐसे ही बड़ा भी घर लौट आता है, उसकी चोंच से खून बह रहा था। बड़े, आप कहाँ गए थे और आपकी चोंच से खून कैसे निकल रहा है? मम्मा मैं सॉरी मम्मा,
मैं थोड़ा सा उड़ने के लिए गया था। उस छोटे कव्वे ने मुझे एक फल खाने का कहा, जिसे खाते ही मेरे मुंह में कांटे चुभ गए हैं। मम्मा, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। बड़े बेटा, ये तो कैक्टस के कांटे हैं, और अगर इन्हें बाहर ना निकाला तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है। आप चले मेरे साथ, हमें बुलबुल दी के पास जाना होगा। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। मम्मा मम्मा, बड़े को कव्वे ने उल्लू बना दिया, और मम्मा अब बड़े के बड़े वाला टीका भी लगवाना। मम्मा, एक बार, बस एक बार सॉरी दे दे, मैं फिर कभी घर से बाहर नहीं जाऊंगा। मम्मा, मेरे टीका ना लगवाना। ये तो अब बुलबुल दी ही बताएंगी, आप चले मेरे साथ। और फिर मम्मा चिड़िया बड़े को साथ लेकर बुलबुल की तरफ जाती है। ये कैक्टस के कांटे बहुत जहरीले होते हैं, मैंने कांटे तो निकाल दिए हैं। बुलबुल आंटी, मेरे दर्द हो रहा है। बुलबुल दी, दर्द की दवा भी दे दें। अब मुझे पेन किलर इंजेक्शन लगाना होगा। टीका? नहीं मम्मा, प्लीज मेरे टीका ना लगवाना। मम्मा, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, और मम्मा मेरा दर्द भी रुक गया है। बुलबुल दी, रहने दें, टीके का तो नाम ही सुनकर बड़े का दर्द रुक गया है। अगर फिर कभी अपनी मम्मा को बताए बिना कहेंगे तो फिर वो सामने देख लो, ये टीका मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ है। फिर मम्मा चिड़िया बड़े को साथ लेकर घर वापस होती है, और बड़ा भी सोच लेता है कि अभी वो बड़ा नहीं छोटा ही है, और वो हमेशा अपनी मम्मा का कहना मानेगा। छोटे कव्वे ने उसे बड़ा सबक दिया था। बबली कबूतरी अपने पति बंटू कबूतर और बेटी चुनमुन के साथ रहती थी। वो बहुत गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि बंटू शराब पीकर हर समय शराब के नशे में ही रहता, और बबली बेचारी अमीर पक्षियों के घरों में काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती। उन दिनों बरसात हो चुका था, आए रोज बारिश हो जाती। आज भी बहुत तेज बारिश थी। चुनमुन स्कूल गई हुई थी। बबली अपनी बेटी को लेकर बहुत चिंतित हो रही थी। हाय भगवान, बाहर इतनी तेज बारिश है और चुनमुन स्कूल गई हुई है। चुनमुन के पास तो रेनकोट भी नहीं है, अगर उसे ठंड लग गई तो क्या होगा। सुनिए जी, उठिए, जरा जाकर अपनी चुनमुन को तो देखाओ कि अभी तक आई क्यों नहीं। बाहर बरसात बहुत जोरों से हो रही है। लेकिन बंटू ने तो इतनी शराब पी रखी थी, वो तो हाँ ना में जवाब भी नहीं देता, बस सोया हुआ था। फिर चुनमुन भी आ जाती है। बेटी, भगवान का शुक्र है कि तू सही सलामत आ गई। बेटा, बारिश इतनी तेज थी, तू जरा स्कूल में ही रुक जाती। जब बारिश रुकती तो फिर तू घर आ जाती। माँ, मेरी सारी सहेलियों के पास ही रेनकोट थे सवाए मेरे। मेरी सभी सहेलियाँ छुट्टी के बाद अपने अपने घरों को वापस चली गई थी, तो माँ मैं कैसे अकेली स्कूल में रहती। माँ, आपने पिछले साल भी बरसात के मौसम में मुझसे वादा किया था कि आप मुझे रेनकोट लेकर देंगी, पर आपने पिछली बार भी नहीं लेकर दिया। माँ, इस बार तो मुझे रेनकोट ले दें। माँ, सच में बरसात में भीगकर बहुत सर्दी लगती है। बबली अपनी बेटी की बातें सुन रही थी और उसका मन बहुत दुखी हो रहा था। वो अपनी बेटी को क्या बताती कि वो तो घर को बहुत मुश्किल से चला रही है। वो अपनी बेटी को रेनकोट कहाँ से दिलाती। फिर वो अपनी बेटी को भोजन खिलाकर सुला देती है। अगले दिन फिर से बरसात शुरू हो जाती है, और अब के बार तो बरसात ऐसी हो रही थी कि पहले कभी ना हुई हो। लेकिन शराबी बंटू तो ऐसा अपनी शराब के नशे में सोया हुआ था कि उसे तो बरसात की कोई चिंता ही नहीं थी। चुनमुन बेटी, आज तू स्कूल जाने को रहने दे, कल भी तो बरसात में इतना भीग कर आई थी, अगर आज भी बरसात में भीग गई तो कहीं तो बीमार ना हो जाए। फिर चुनमुन स्कूल से छुट्टी कर लेती है।
सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन बरसात तो और भी तेज हो रही थी और अब तो उनके घर की छत भी टपकने लगी थी और पूरे जंगल में बाढ़ आ चुकी थी। बबली की तो सांसें रुक रही थी इतनी तेज बरसात को देखकर। मुझे गरीब का तो घर भी बहुत कमजोर है, कहीं ऐसा ना हो मेरा घर टूट जाए। अब मैं क्या करूं? अगर घर में रहूं तब भी मरती हूं, अगर बाहर जाती हूं तो तब भी मरती हूं। अब मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊं तो कहां जाऊं? और ये मेरा नखट्टू पति ऐसे सो रहा है जैसे घोड़े बेचकर सो रहा हो। फिर देखते ही देखते बरसात का पानी उनके घर में आने लग जाता है। अरे सुनिए, अब तो उठ जाए, अब तो बरसात का पानी हमारे घर में आने लग गया है। अगर तुम ना उठे तो बरसात के पानी में ही डूब कर मर जाओगे। मम्मा क्या अब हम मर जाएंगे? नहीं बेटा, भगवान हमें बचा लेंगे। तुम प्रार्थना करो तुम्हारे पापा का नशा टूट जाए और ये होश में आ जाए, फिर मुझे भी कुछ हौसला हो जाए। ऐसे अकेले तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। छत से टपकने वाले पानी के कारण गीला होने से बंटू की आँख भी खुल जाती है। अरे बबली, ये इतना पानी कहाँ से आ गया? तुम तो अपनी शराब के नशे में थे, तुम्हें क्या खबर हमारी? अब भी अगर तुम ना जागते हम तो पानी में डूब कर मर जाते। फिर बंटू भी शर्मिंदा होता है। बबली मुझे माफ कर दो, आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी शराब के कारण आज मेरा पूरा परिवार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं आज के बाद शराब कभी नहीं पीऊँगा। आज इस बरसात के पानी ने मेरी ठीक से आंखें खोल दी हैं। बबली तुम ऐसा करो, मेरी चुनमुन का ध्यान रखो। मैं बाहर जाता हूँ और देखता हूँ कि हम कैसे यहाँ से सुरक्षित जगह पहुँच सकते हैं। फिर बंटू बाहर निकलता है। बाहर तो हर तरफ पानी ही पानी था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने परिवार को किस दिशा में लेकर जाए। फिर अचानक से उसे एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा तैरता हुआ दिखाई देता है। बंटू हिम्मत करके उस तैरते हुए लकड़ी के टुकड़े के पास पहुंच जाता है और फिर अपनी पत्नी और बेटी को भी उस लकड़ी के टुकड़े पर बैठा लेता है। वो लकड़ी का टुकड़ा तैरता तैरता उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। वो उस बाढ़ में डूबने से बच जाते हैं और फिर बंटू एक अच्छा पक्षी बन जाता है।